दिखाते हैं वो तस्वीरें जिनकी आज काफी चर्चा है। सीएम हाउस में तीजा पूरा त्योहार का आयोजन और इसमें मुख्यमंत्री आवास पर लोक कला संस्कृति की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की स्पष्ट झलक देखने को मिली और इसमें लोक संगीत पर तमाम नेता थिरकते नजर आए। बड़ी बात यह कि इसमें टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों एक मंच पर काफी देर तक एक साथ मंच साझा करते नजर आए और लोक संस्कृति के इस पर्व में टीएस सिंहदेव भी पूरी तरह रंगे नजर आए हैं। उन्होंने भी महिलाओं के साथ लोक संगीत इसका लुत्फ उठाया, थिरकते हुए भी नजर आए और मंत्री ने सेल्फी भी ली महिलाओं के साथ। आप देखें ये दो तस्वीरें, लोक संगीत की धुन पर थिरकते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव, और मंत्री टीएस सिंहदेव ने महिलाओं के साथ जो चारों तरफ से महिलाओं से घिरे थे उन्होंने सेल्फी भी उनके साथ खींची। एक मंच पर पहले मुख्यमंत्री के साथ ये बैठे नजर आए और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया था उन्होंने कि कैसे लोक संस्कृति के नए नए परंपराओं को उन्होंने जीवित किया। मुख्यमंत्री आवास पर लोक संस्कृति के रंग देखने को मिले। इस कार्यक्रम में महिला सांसद, विधायक और नेता मौजूद रहे। दिल्ली से आई चार राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश ने पूजा अर्चना की। वहीं तीजा पूरा त्योहार कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए और मंच पर वो सीएम भूपेश बघेल के साथ भी बैठे। इस दौरान कई मौकों पर उनके बीच बातचीत देखने को मिली। सीएम और सिंहदेव ने तीजा पूरा त्योहार की बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए महिला स्व सहायता समूह का 12,94,00,000 रुपए का कर्ज माफ किया। परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री परम आदरणीय तो मंच के ऊपर नजर आए हैं मोहम्मद भैया आदरणीय कवासी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक ही मंच पर नजर आए। मौका तीजा पूरा त्योहार का था और इस अवसर पर चार राष्ट्रीय प्रवक्ता भी छत्तीसगढ़ में हैं और सीएम हाउस में इस तीजा पूरा त्योहार में शामिल हुई हैं। साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री और महिला नेत्री कांग्रेस पार्टी की सभी दिखाई पड़ी हैं। बारह करोड़ 77 लाख लगभग 13 करोड़ के ऋण माफी के घोषणा आज तीजा पूरा के उपलक्ष्य में देती माई मंबर। और दूसरा यह है कि एक बार बजट केवल 2 करोड़ रुपए रखे इसका बोला 5 गुना बढ़ा के 10 करोड़ और लोन लेके जिन 1.5 लाख रिसे बढ़ा के 2 लाख। तो हमारे जो स्व सहायता समूह है, महिला मन के समूह है, तेन बहुत मजबूत बनाए। तो यूं एक न्याय योजना के विस्तार के रूप में देखे जाते जो स्थान और सम्मान और जो इच्छा है कि हमारी महिला शक्ति आगे आके जिम्मेदारियां ले, उसके प्रतीक को आज हम मैंने बहुत कम जीवन में मंच ऐसे देखे हैं जहां पुरुष गिनती के 4-5 है और बाकी महिलाएं। प्रिय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक परंपरा छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, अनेकों ऐसी परंपराएं स्थापित की हैं, वो निरंतर स्थापित रहेंगी छत्तीसगढ़ में, इस विश्वास के साथ आप सभी के सुखद भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए अपना ख्याल रखेंगे, हम लोगों का भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।